गाइज वैसे तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों को नेक्स्ट भुया पास दिखा दिया था, बट फिर भी यार आप लोग काफी बार कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला नेक्स्ट भुया पास दिखा दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर से नेक्स्ट भुया पास का इन्फॉर्मेशन कवर किया जाए। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने एकदम सही सुना, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंथ हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला भुया पास दिखाने वाला हूँ। यानी कि भाई आज मैं आप लोगों को मई मंथ का भुया पास दिखाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ भिड़ू, मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट भुया पास के साथ साथ और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि भाई आज मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में बताऊंगा। भाई काफी तगड़ा वेपन रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट आने वाला है। खैर फिर तो गाइस, इस वीडियो के अंदर और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट रॉयल के बारे में बताऊंगा, कुछ अपकमिंग फ्री इवेंट्स वगैरह है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो भाई आज के वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। चलो यार अभी ना हम लोग वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट भुया पास का रिव्यू करवाता हूँ। यहाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, अभी मुझे जो अप्रैल मंथ का भुया पास है इसका एक रॉ रिव्यू मिला है, और भाई ये भी जो रिव्यू है ये मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मिला है। यहाँ गाइस OB44 अपडेट जब तक आ नहीं जाता तब तक आप लोगों को मैं तो क्या प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट भुया पास का रिव्यू कोई भी नहीं करवा सकता है, क्योंकि भाई भुया पास ओबी अपडेट के बाद ही हमारे गेम की फाइल के अंदर एड होगा। अभी जस्ट गाइस मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मई मंथ के भुया पास की जो भी लीक्स मिली है, जो भी रिव्यू मिला है, वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी अभी मैं आप लोगों को ये सभी आइटम्स के बारे में बढ़िया से डिटेल्ड रिव्यू करवाता हूँ। यहाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यहाँ पर यार हम लोगों को ये भुया पास के अंदर सबसे पहले कुछ इस तरीके का फीमेल बंडल देखने को मिलेगा। यहाँ गाइस मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो फीमेल बंडल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये फीमेल बंडल नेक्स्ट मंथ के भुया पास का ही फीमेल बंडल है। बाकी अगर इसके लुक के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई मुझे तो ये फीमेल बंडल का लुक ठीक ठाक ही लगा, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा है ना ही बहुत ज्यादा बेकार। बाकी फिर गाइस हम लोगों को ये फीमेल बंडल के बाद नेक्स्ट भुया पास के अंदर एक जीप की स्किन भी देखने को मिलेगी। तो जीप की स्किन का रिव्यू आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भाई ये जीप की स्किन भी ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जीप की स्किन पसंद आई होगी। फिर इसके बाद गाइस हम लोगों को नेक्स्ट भुया पास के अंदर एक पैराशूट की स्किन भी मिलने वाली है। जो पैराशूट की स्किन आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं यार ये पैराशूट की स्किन का नाम है बाइट रेंजर, एंड अपने नाम की तरह ये काफी यूनिक है। देन फिर तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक सर्व बोर्ड देखने को मिल रहा है, और गाइस ये सर्व बोर्ड का नाम भी बाइट रेंजर ही है। अगर आप लोग ये सर्व बोर्ड को देखोगे तो भाई ये सर्व बोर्ड काफी अच्छा लग रहा है। जी हाँ गाइस लेजेंडरी है, डिजाइन वगैरह भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये सर्व बोर्ड पसंद आया होगा। बाकी फिर गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये एक लूट बॉक्स देखो, ये लूट बॉक्स भी गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट भुया पास में आने वाला है। काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अच्छा लूट बॉक्स है। खैर फिर गाइस इस लूट बॉक्स के बाद हम लोगों को नेक्स्ट भुया पास के अंदर एक बैकपैक देखने को मिलेगा। जो बैकपैक के स्किन का रिव्यू आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भाई ये बैकपैक भी बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका कलर वगैरह डिजाइन वगैरह बहुत खास है। खैर फिर गाइस हम लोगों को ये बैकपैक के बाद यहाँ पर एक बैट का स्किन देखने को मिल रहा है। बैट का स्किन भी सही लग रहा है, हाँ गाइस ठीक ठाक ही है, इसकी क्या ही तारीफ करूं मैं। बाकी अभी गाइस आप लोग स्क्रीन पर ये गन की स्किन देखो, मैं आप लोगों को बता दूं ये गन की स्किन भी हम लोगों को नेक्स्ट भुया पास के अंदर से मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं ये गन की स्किन का नाम है बाइट टेम्पर। बाकी अगर अभी हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर डबल रिलोड स्पीड और सिंगल मैगजीन प्लस देखने को मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर मूवमेंट स्पीड माइनस में है। तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गन स्किन भी काफी बढ़िया है। अभी तो गाइस हम लोगों को नेक्स्ट भुया पास के अंदर ये गन स्किन के बाद एक इमोट भी देखने को मिलेगा, जो कि यार हॉर्स राइडिंग वाला इमोट है। बाकी अगर गाइस आप लोग ये इमोट के रिव्यू को देखोगे तो भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये इमोट। यहाँ गाइस आप लोग खुद ही देखो क्या ही मस्त घोड़ा आ रहा है, उसकी सवारी कर रहा है हमारा कैरेक्टर। मुझे तो भाई ये इमोट पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और अभी गाइस मुझे आप सभी लोगों के रिव्यू चाहिए, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट से बताना कि आप लोगों को ये इमोट कैसा लगा। बाकी अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट भुया पास के अंदर आने वाले मेल बंडल के बारे में। जी हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो मेल बंडल गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट भुया पास में यही वाला मेल बंडल आने वाला है। भाई पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे मेल बंडल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। जी हाँ गाइस ठीक ठाक ही बंडल है। खैर अभी गाइस फिलहाल मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट भुया पास के रिगार्डिंग काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। हाँ गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं यार जो नेक्स्ट भुया पास है उसका ना अभी कंप्लीट रिव्यू नहीं आ रहा है। जो भी टूटा फूटा रिव्यू मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मिला, जो भी आइटम्स मुझे मिले, मैंने उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को नेक्स्ट भुया पास दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया, जितना भी रिव्यू दिया, आप लोगों को पसंद आया होगा। खैर अभी गाइस आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, ओबी 44 अपडेट आने के बाद हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर भुया पास का प्रॉपर रिव्यू एड हो जाएगा। तो भाई 17 को ओबी 44 अपडेट आने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि 17 तारीख को ही मैं आप लोगों को अपडेट के आने के एक दो घंटे बाद नेक्स्ट भुया पास का रिव्यू करवा दूं। इसलिए गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, बाकी क्योंकि गाइस अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट भुया पास
पास दिखा चुका हूँ। इसलिए तो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी ना गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक अपकमिंग रॉयल के बारे में बताता हूँ। यहाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये जो आप लोग स्क्रीन पर रॉयल देख पा रहे हो मॉनसून ओरागी वाला रॉयल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो आइटम्स है चार आइटम, ये आइटम काफी ज्यादा ओल्ड है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर दो बंडल अवेलेबल है, एक मेल और एक फीमेल बंडल। देन गाइस यहाँ पर एक ग्लूवल और साथ ही साथ एक लूट बॉक्स भी है। तो भाई अगर सीरियसली बताऊं तो ये रॉयल तो बढ़िया है, बट भाई पर्सनली मुझे ये रॉयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार इस रॉयल के अंदर जो बंडल और ग्लूवल अवेलेबल है वो मेरे पास पहले से ही है। तो भाई मेन आइटम्स तो इस रॉयल के मेरे पास पहले से ही पड़े, तो मुझे इस पे क्यों ही इंटरेस्ट होगा। खैर अभी गाइस फिर भी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये रॉयल की कंफर्म डेट के बारे में। जी हाँ गाइस देखो, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये रॉयल इसी मंथ अप्रैल की 23 तारीख को आएगा। जी हाँ गाइस 23 पूरा कंफर्म डेट है इस रॉयल का। तो अगर भाई तुम लोगों को इस रॉयल के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो डायमंड्स को थोड़े बहुत बचा के रखना, 23 तारीख को ये रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आ जाएगा। फिलहाल गाइस मैं अभी आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक रॉयल के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अपकमिंग एक फ्री इवेंट के बारे में। हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये जो यार आप लोग स्क्रीन पर इवेंट देख पा रहे हो यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला अपकमिंग एक फ्री इवेंट, जहाँ पर गाइस सबसे पहले तो हम लोगों को सिंपल से कुछ मिशन कम्प्लीट करके ये टोकन को कलेक्ट करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं यार ये टोकन बहुत कमाल के हैं, क्योंकि इन टोकन से एक्सचेंज करने पर हम लोगों को काफी सारी गन स्किन मिलेंगी। लेकिन भाई ये गन स्किन हम लोगों को बस 24 घंटे के लिए फ्री मिलने वाली है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यार आप लोग यहाँ पर से कोई से भी अपने मन पसंदीदा लेजेंडरी गन स्किन को एक दिन के लिए यूज कर सकते हो। हाँ गाइस यहाँ पर MP40, MT87, AWM, AN94AK हर किसी के मस्त मस्त गन स्किन अवेलेबल है। बाकी फिर तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर टाइटन स्कार वगैरह भी देखने को मिल रही है, P90 भी देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस बात क्लियर है, यहाँ पर से इस इवेंट के अंदर से आप लोग किसी भी गन स्किन को सिर्फ 24 घंटे के लिए क्लेम कर पाओगे। हाँ यार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इस इवेंट के अंदर सबसे पहले आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने हैं। मिशन कंप्लीट करने के बदले में आप लोगों को टोकन्स मिलेंगे, एंड उन टोकन्स एक्सचेंज करके आप लोग 24 घंटे के लिए किसी भी गन स्किन को ले सकते हो। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये इवेंट काफी बढ़िया है। भाई जो भी लोगों के पास कोई सा भी गन स्किन नहीं है, कम से कम 24 घंटे के लिए तो वो लोग लेजेंडरी गन स्किन चला सकेंगे। बाकी फिलहाल अभी तो यार ये सब छोड़ो, अभी मैं आप लोगों को सीधा ये इवेंट की कंफर्म डेट बताता हूं। जी हां गाइस, ये जो इवेंट है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी मंथ की 19-20 तारीख के आसपास आएगा। तो सिंपल है गाइस, वो भी अपडेट के बाद ये इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला है। बाकी अभी तो यार मैं आप लोगों को एक फ्री इवेंट के बारे में बता चुका हूँ, मैंने आप लोगों को नेक्स्ट बुया पास दिखा दिया, एक कमाल का रॉयल भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल अभी तो यार हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी ना मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में बताता हूँ। भाई बहुत से बंदों को नहीं पता है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा आएगा, इसीलिए गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो यार आप लोग स्क्रीन पर एक्सेमेट का वेपन रॉयल देख पा रहे हो गाइस, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट यही वाला वेपन रॉयल आने वाला है, जहां पर से ये आप लोग एक्सेमेट की स्किन को ले पाओगे। बाकी अगर अभी हम लोग एक्सेमेट की स्किन के बारे में बात करें तो भाई लुक वाइज और एट्रीब्यूट वाइज मुझे तो ये गन स्किन ठीक ठाक ही लगा। जी हाँ गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, मीडियम मीडियम मुझे तो पसंद आया। बाकी ये भी गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला ये नेक्स्ट वेपन रॉयल कैसा लगा। हाँ क्योंकि अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल का भी रिव्यू करवा चुका हूँ। तो भाई अभी हम लोग ये वीडियो को यहीं पर ही एंड कर दे। जी हाँ गाइस, अब मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में मिलूंगा किसी नए अपडेट्स के साथ, किसी नए इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।